दूसरा नाम तो त्रिरत्न, ऐसा तीन मिलके ही होना चाहिए। वो क्या क्या? योगाभ्यास, प्रकृति आहार और प्रक्रिया। प्रक्रिया मैंने सदाचार, एक अच्छा आचार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। और सदाचार के बिना सिर्फ योग मात्र जो कर रहे हैं उनको कुछ भी काम नहीं होगा। योग करने के समय तो आधा घंटे, वो आधा घंटे में आप बैठ के योग करते हैं और बाकी जो 24 घंटे में जो बाकी है उस समय सब अयोग करके है, फिर योग का फल कैसे होगा आपको? इसलिए वो आधा घंटे में जो कर रहे हैं उसका अनुकूल काम ही वो दिन में पूरा करना चाहिए। और वो बैठने के समय में मात्र आप एक अच्छा बच्चा बन जाते हैं, फिर आधा घंटे में कुछ न कुछ पूजन स्तवन भोजन ध्यान ये सब तो कर जाते हैं, फिर बाकी समय में इसका प्रतिकूल विरुद्ध काम कर जाते हैं, फिर क्या मिलेगा? जो आप ज्यादा करते हैं उसका फल मिलेगा, जो आप बहुत कम करते हैं उसका फल मिलेगा। इसलिए बोलते हैं तप्त भांड का बिंदु जला। आप जानते हैं एक बहुत बड़ी थाली है जो आग में रखा हुआ है, वो बहुत उष्ण होने के बाद एक बिंदु का जल डालते हैं, वो क्या होगा? तुरंत वो तो वाष्प होगा, वाष्प होके ऊपर चल जाएगा, वो वाष्प हो जाएगा नहीं। इसलिए हम इतना पाप कर रहे हैं, प्रतिकूल काम कर रहे हैं, इतना प्रतिकूल काम में हम जो छोटा सा एक भक्ति या पूजन या योग अभ्यास कर रहे हैं वो सब तप्त भांड का कहता बिंदु जल, वो सब वाष्प हो जाएगा। फिर तो भी भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रीति और कृपा रख के हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हम ऐसा सोचना नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और भगवान बहुत कम दे रहा है। बहुत कर रहे हैं प्रतिकूल रूप में, फिर भी वो हमारी वो जो प्रेम है वो तो अपूर्ण है, भगवान तो पूर्ण रूप है, फिर भी बहुत क्या बोलते हैं इसको, अघात निरवधिक निष्कलंग परम प्रेमा से भगवान ने जो दे रहे हैं उनकी दया से ही वो तो दे रहा है। इसलिए त्रिरत्न होना चाहिए योगाभ्यास में। आप सुनिए एक हम बताते हैं, इसलिए आज सुबह में बताया भगवद गीता में 100 श्लोक कंठस्थ करने के लिए जो मेधा आपको चाहिए, मन की शक्ति चाहिए, एक आदमी के पास घुसा होके 5 निमिष उनके ऊपर हम विरुद्ध का प्रवाह करते हैं। एक आदमी के ऊपर घुसा से हम परुष वचन का प्रवाह करते हैं 5 मिनट, उसके लिए जितनी शक्ति आप निकलते हैं उसी शक्ति से 100 श्लोक का कंठस्थ कर सकते हैं भगवद गीता को। इतना व्रय हम कर रहे हैं, जो ये सब अयुक्त कार्यों में जितना व्रय कर रहे हैं उसको एक सुयुक्त संयुक्त कार्य में प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ हमको होगा। इसलिए आप बोलते हैं अभी तेल लेते हैं, आप ये मिर्ची लेते हैं, एक समाचार में बोलूंगा, आप 10 महीने का एक अनुष्ठान करते हैं जब तब एक प्यास से, एक प्यास खंड से वो 10 महीने का सब फल विनाश हो सकता है, एक प्यास और एक लहसुन से। और जितने मन आप ऊपर लेते हैं, ये हरा वाला मिर्ची और ये लाल वाला मिर्ची, ये दोनों तो भाई भाई हैं, ये दोनों मिलके आपको नीचे ही गिराते हैं। ये जो ये काली मिर्ची है वो तो उतना दोष नहीं। इसलिए प्राकृतिक आहार, हम तो सत्य बोलना ही चाहिए ना, पूर्ण फल मिलने के लिए आपका आचार अनुगुण होना चाहिए, आहार अनुगुण होना चाहिए और योग का आसन अनुगुण होना चाहिए। इसलिए योग और आपका प्राकृतिक आहार और आपका आचार, ये तीन तो रत्न त्रय बोलते हैं, जिसको आचरण तो दूसरा प्रकार है और आहार तो दूसरा प्रकार। जो तो तैल निमग्न आहार है, जो तो मिर्ची और बहुत रसों से विरसों से जो मिलित है, ऐसा आहार करने में और योग करने में क्या फायदा है? फल तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक घंटे दो घंटे योग करके अब इतने मिर्ची से ये कुछ ना कुछ आप बाहर तो बहुत मिल जाता है ना, नाम भी हमको याद में नहीं रहता, बहुत बहुत विभिन्न नाम और रूप से बहुत मिलता है, वो सब कहेंगे तो क्या होगा? इसलिए आज से उसको कम करना चाहिए। जो तैल निमग्न है, जो गिरस मिलित है, जो पर्युषित है, कल बना के आज रखना है, 10 साल के पहले बना के अभी वो सब वो बर्तन में इसको सील करके वो सब भेज रहे हैं, उसका काल विकाल हुआ अकाल हुआ किसको मालूम है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है किसको मालूम है। इसलिए जो सात्विक आहार है, सात्विक दृष्टि से बनाया है, आपको जो प्रियतम है वो बनाइए, लेकिन भगवान का प्रसाद है, नहीं तो कुछ आचार्य का प्रसाद है, नहीं तो भक्तों का प्रसाद है, ऐसा मिलने से सात्विक गुण की वृद्धि हो सकती है। इसलिए रत्न त्रय में योग में सिर्फ दशांश है, दशांश है और 90% हमारा आहार और आचार में है। इसलिए ये तो हम देखना चाहिए।
इसलिए आहार और आचार, आसन और आयाम, ये चार होना चाहिए, चार स्तंभ। आहार तो बोल दिए, आचार तो बोल दिए, आसन तो आप जानते हैं, आयाम तो प्राणायाम। इसलिए यो जो ये रसन को नियंत्रण कर सकता है वो तो आहार है, जो ये मन को नियंत्रण, ये बंदर को नियंत्रण कर सकता है वो तो आचार है, जो ये शरीर को नियंत्रण कर सकता है वो तो आसन है, ये प्राण को आचरण नियंत्रण कर सकता है वो तो आयाम है। इसलिए आहार आचार आसन आयाम ये चारों स्तंभों से जो समन्वित है उसको ही ध्यान सिद्धि मिलेगी, नहीं तो वो ध्यान ध्यान का ध्यान से वो बहुत दूर है नहीं तो। इसलिए ये प्राण का, प्राण के बारे में कुछ बताए और ध्यान के बारे में अभी कुछ बताए। आप जानते हैं कि बहुत काम हम कर रहे हैं, इसको हम प्रकार पंचक बोलते हैं, प्रकार पंचक बोलते हैं, इसको शास्त्र में बोलते हैं चेष्टा विचेष्टा क्रिया क्रीडा अभ्यास। आप आते जाते बैठते सोते उठते रहते हैं जिसमें आपका शरीर का सब अंगों का चलन होगा, चलन हो रहा है नहीं, वो सब चेष्टा है। इसको क्या बोलते हैं, चेष्टा। ऐसा आने के समय जाने के समय शरीर का वो स्वाभाविक चलन को चेष्टा बोलते हैं, और नाट्य शास्त्र में विचेष्टा बोलते हैं, एक अलंकार के साथ वही चेष्टा आप कर रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी क्यों ऐसे बैठ के ऐसा रखना वैसा रखना, ऊपर देखना नीचे रखना, सिर को नीचे रखे पांव को ऊपर दिखाना, ये क्यों करना है? और मैंने बोला आप तुम चेष्टा में बहुत कुछ कर रहे हो, ऐसा पानी भराने के समय में, कुछ लेने के समय में, ऐसा कोई गिरेगा तो उसको पकड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं, कुछ वस्तु ऊपर से लेने के लिए हम कुछ ऊपर हो जाते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं, वो तो चेष्टा। उससे आपको पूर्ण समन्वय नहीं होगा, नंबर वन। दूसरा तो ये विषय है विचेष्टा, नाट्य करने के समय में देखते हैं ये पांव का नर्धन, नयनों का नर्धन, और अभिनय से हाथ अंगुली से बहुत प्रकार तो दिखाती है वो, और फिर भी इसका पूर्ण रूप में इसका परिणाम नहीं होगा, पूर्ण प्रदर्शन नहीं होगा। तीसरा तो क्रिया है, क्रिया में ना आपका काम, ये काम करने के समय में एक आदमी है वो तो भार छोड़ने वाला, एक आदमी गाड़ी चलाने वाला, एक काम से शरीर की कुछ चेष्टा होती है उससे भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए एक एक भागी होगा, वो सब अपूर्ति है, क्योंकि एक ही दृष्टि में वो करता है, एक ही काम करता है, बैठ के काम करता है, इसलिए वो पूर्ण विभाग नहीं होगा। क्रीड़ा, क्रीड़ा में बहुत लोग, बच्चे लोग अभी तो माँ बाप लोग कहाँ भेजते हैं बच्चे लोग को, योगाभ्यास के नहीं भेजते हैं, वो सब ये कंदुक क्रीड़ा, विशिष्ट कंदुक और लघु कंदुक और महाकंदुक, ये सब बहुत है ना अंग्रेजी में, क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस बॉल सब कुछ बोलते हैं, ये सब क्रीड़ाओं में वो सब बहुत निमग्न हो जाते हैं। और क्रीड़ाओं में भी एक प्रकार का चालन और चलन ही होगा, सब पूर्ण शरीर का विकास नहीं होगा। इसलिए यदि पूर्ण शरीर का विकास नहीं है वो तो विकास नहीं है, वो विकास को, अल्प विकास को विकार बोलते हैं। इसलिए जो विकास पूर्ण नहीं है वो विकास तो विकार। इसलिए अभी सब लोग मिलके एक शरीराभ्यास देहाभ्यास समिति को जाते हैं, देहाभ्यास समिति जानते हैं, हम तो अंग्रेजी में जाता नहीं बोलना चाहते, देहाभ्यास समिति मैंने, दैट इज बॉडी बिल्डिंग और जिम्नास्टिक्स, हाँ देहाभ्यास समिति, वो संघ में जाके वो बहुत बड़ा भार लेते हैं, बहुत प्रकार का विभिन्न विकार चेष्टा वो तो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अपाय है, वो शरीर का अनन्य रूप है। पहला अनन्य रूप, ऐसा शरीर को बढ़ाने के समय में केवल मांस वृद्धि वहां होगी, मन तो समल हो जाता है, मन तो समल हो जाता है, क्योंकि एक लक्ष्य है, एक परिमिति है, वो परिमिति से अतीत यदि मांस की वृद्धि होती है वो मन में विकार आ जाता है, वो तो पहला दोष। दूसरा दोष तो आप जानते हैं, यदि एक आदमी करते रहता है फिर एक दिन तो छोड़ जाता है, फिर बहुत नीचे में हो जाएगा, जो करते रहता है और कुछ असंभावित संदर्भों से छोड़ जाता है फिर उसको बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। और तीन, जो जो बहुत देहाभ्यास कर रहे हैं उनको पक्षवाद पार्श्ववाद होगा, बहुत जो करने वाले हैं उनको कुछ अधिक उम्र में, बहुत लोग आप देखिए उनको कुछ यदि मुखवाद नहीं तो पार्श्ववाद, एकांगवाद, कुछ ना कुछ होगा, वो तो अनिवार्य है। इसलिए केवल देहाभ्यास वो तो राक्षसाभ्यास है, इसलिए भगवान को मन में रख के आनंद का अनुभव करना वो देवताभ्यास है,